Can you please tell me how you came to be in bonded slavery? तो सिस्टर की शादी थी तो उसके लिए हमने पैसे वहां से उठाए तो फिर वो पेशकी होगी ज्यादा तो उसकी वजह से मेहनत में 50 रुपए कम भी देते हैं पेशकी की वजह से तो जब पेशकी ना हो तो फिर 50 रुपए ज्यादा देते हैं फिर मशक्कत भी ज्यादा करवाते हैं एक छुट्टी क्यों हो गई आज बारिश हो गई है तो भाई क्यों बैठे हुए घर पे तो ये ऐसी चीजें है ना जो वो जब चर्च जाते हैं वो पास्टर वगैरह जाते हैं तो उनको भी कहते हैं यार क्या है चढ़ाने आ गए आपको ये क्या मसला है तो ये प्रॉब्लम होती है इबादत की भी होती है एंड हाउ मच इज योर डेट कर्जा 60,000 एंड हाउ मच डू यू अर्न ऑन द ब्रिक किल्न भट्टे पे एक दिन जब सारे ये करते हैं ना तो 600-700 सो हाउ मच डू यू हैव इन ट्रस्ट उनको सूद 1,000 के पीछे 50 रुपए इज मनी इज दैट योर मनी ये देते हैं हमें 700 रुपया देते हैं ना तो उसके बाद जो 500 में देते हैं कार्ड के 200 काट लेते हैं तो वैसे रेट जो होता है ना हुकूमत का रेट है 885 रुपये वो नहीं देते फिर ये कम देते हैं ये तकरीबन 750 दे रहे हैं 740 रुपये And 300 rupees is $3. How long does it take you to make that many bricks? सुबह 6 बजे जाते हैं तो शाम के 6 बज जाते हैं आज ये जो तीनों बैठे हुए ये इतने बना लेते हैं Sanam, can you tell me, are you happy making bricks? No. What would she like to be doing? इसलिए वो मेरे से काम नहीं ना होता तो इधर दर्द होता है बैठा नहीं जाता तो ज्यादा ईंटें मुझसे नहीं वो फिर कहते जितना आपने मकाया हुआ है ना हमारे मुकम का किया हुआ है 1,000 एक दिन का 2 ईंट तो वो फिर मुझसे नहीं होती फिर मैं स्कूल जाता हूँ हमसे उन्होंने लिखवाया होता लिखवाया होता जी करना चाहते हैं ये करना चाहते हैं कि वो आए भट्टों पर विजिट करें देखें कि हमारी क्वालिफिकेशन के बारे में करें कुछ उनके हालात हैं कपड़ा लीड़ा भी अच्छा नहीं होता उनके पास फूड गुड नहीं देते उनको उनके पास चार के साथ रोटी खाते हैं तो उनके उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ पे अपनी कलीसिया को आके देखें भट्टे लोगों को तो आगे इनकी हेल्प जो होती है वो करें तो वो जहाँ पर स्कूल नहीं है मैं भी भट्टे पर किसी ने मुझे भी पढ़ाया था लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि मैं बाइबल भी पढ़ लेता हूँ उर्दू में तो हर चीज़ जो है ना मैं हिसाब किताब कर लेता हूँ तो ऐसे भी कुछ हेल्प हो जाती है तो बच्चा जब पढ़ जाता है तो वो फिर सोचता है कि मैं अब यहाँ पे काम नहीं करूँगा अब मैं आगे निकलना चाहता हूँ तो ये जो है ना चीज़